किसी ने एक सवाल किया, मेरा एक भाई है, ज़रूरत ज़्यादा है और आमदनी ज़रूरत से कम है, तो क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? तो देखिए, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। मेरा एक भाई है, उसकी आमदनी कम है, ख़र्चे ज़्यादा है। तो ख़र्चे ज़्यादा क्या है? उनके बच्चे जा रहे हैं इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल में, उनके बच्चों को खाने के बाद भी अलग अलग किस्म के स्वीट्स या डेजर्ट्स लाना पड़ते हैं, उनको कार की ज़रूरत है, तो फिर तो ये ज़रूरत कभी पूरी नहीं होगी। खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है, तो ये खर्चे ज़्यादा आमदनी कम ऐसा जनरल नहीं होता, इसलिए कहा हाँ भी और ना भी। एक इंसान के ज़रूरी अखराजात पूरा करने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो ज़कात वो ले सकता है। ज़रूरी अखराजात क्या है? ज़मीन ज़माना से बदलते हैं याद रखिए, ममालिक के हिसाब से एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सऊदी में ऐलान होता है कि फ़लाँ जगह ज़कात मिलने वाली है, तो ज़कात देने वाला कोई पैदल नहीं आता, पूरे कारों में आते हैं। समझ रहे? ज़माने के एतबार से और ज़मीन के एतबार से कार इंसानों की ज़रूरत है। सेकेंड हैंड कारें बड़ी आसानी से मिल जाती है, और कई बार बॉस अपनी कार छोड़ने के लिए वो किसी के ऑफिस में तू ले ले चला दे देता काम वाले को, तो कारें सबके पास होती। गरीब से गरीब लेबर कैंप भी होंगे तो दो दो ए सी लगे हुए थे दो दीवार पर, रीज़न कि बगैर ए सी की ज़िंदगी का तस्वुर नहीं, सर्दी और गर्मी इतनी ज़्यादा होती, ज़मीन ज़माने के एतबार। लेकिन इंडिया में अगर वो कार में आता आप ज़कात देंगे उसको? फिर यहाँ हम देखते हैं लोगों को जिनको पैर हाथ नहीं है, वो लगाने का पैसा नहीं है उनके पास, यहाँ कार वाले को ज़कात नहीं दे सकते। तो ये मसला जो आप बोल रहे हैं, मेरा भाई है, इनकम इतनी है कि एक्सपेंस पूरे नहीं होते, तो ये ज़रूरी इनकम ज़रूरी एक्सपेंस पे बात होंगी। वरना लोगों का हाल ये है कि मैं तो देखो मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ, मेरा गरीब भाई सुजुकी में जाता आता है, तो इसको मैं ज़कात दे रहा हूँ अपनी, ताकि कल ये भी मर्सिडीज़ हो। ये बावली बात है ना, मतलब ज़रूरत के पैमाने सेट करना होंगे, चूँकि बहुत हो गया है, हर आदमी अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक बता रहा है आज। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको आप बोले कि ज़कात देना, तो मैं ही उसका मुस्तहिक। कैसे आप मुस्तहिक हैं? देखो बच्चे ने कितने दिनों से बाहर डिनर नहीं की, घर में खाना खा रहे हैं ना, ज़कात का मुस्तहिक होगा। देखो सबके बच्चे CBSE ICSE और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तो स्टेट बोर्ड में, लेकिन बुनियादी तालीम तो मिल रही है ना। तो हम लोगों ने इतने हाई पैमाने कर दिए कि फिर तो वो नहीं। तो बुनियादी ज़रूरतें जो ज़मीन और इलाके और माहौल से बदलती हैं, उसमें अगर वो बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तब वो ज़कात ले सकता है। चूँकि ऐसा कोई पैमाना मैं नहीं दे सकता हूँ कि 2000 से कम इनकम वाला ले सकता है, 2000 से, ऐसा नहीं। ये मुल्क हालात से मामला बदलते जाएंगे। अंदर आप अमेरिका में जाएंगे तो ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसको $4000 उसकी इनकम है, फिर भी वो मुस्तहिक है ज़कात का। रीज़न भी इनकी $4000 इक्वलेंट टू 4000 लोकल रुपीज़ होते हैं उनके, वो नहीं कर पाते बेचारे उस पर उतना खर्चा। दुनिया की महंगाई होती है तो क्या करेंगे आप? देखिए जैसे आप सऊदी चलेंगे ना, आप यहीं किसी छोटी से रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक छोटा मोटा खाना भी खाएंगे ना, 40-50 रियाल ऐसे टूट जाते। कन्वर्ट कीजिए उसको इंडियन करेंसी, यहाँ सबसे अच्छी होटल में खा लेंगे आप 1000 रुपये में, वहाँ नहीं होता है। बस थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा इजाफा कर देंगे फला मीठा वीठा, तो ये चल जाएंगे आपको 100 रियाल में, तकरीबन 2200 रुपये 2300 रुपये होते हैं हमारे। यहाँ सबसे अच्छी होटल में आप खा सकते, इवन 5 स्टार में खा ले सकते दो आदमी इतने रुपये में खाना। ज़मीन ज़माने के हिसाब से चीज़ें हालात बदलते हैं, वहाँ हो सकता है वो बेचारा रोज़ की इनकम इतनी होने के बावजूद भी वो नहीं गुजार कर सकता, क्योंकि चाय पीने जाएगा ना तो 2 रियाल की चाय मिलेगी, बहुत महंगी होती है ना। इंडिया में वही 2 रियाल के अंदर कितनी हमारे कितने कट हो जा रहे, 9-10 कट हो जाते हैं हमारे, ऐसा होता है। तो इसलिए ज़मीन ज़माने के हिसाब से बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें क्या है ये भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता मैं, ये वहाँ के इलाके उलमा बताएंगे बुनियादी ज़रूरतें किसको कहते हैं। कुछ जगहों पर एक घर होना भी बुनियादी ज़रूरत है, जहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती हो कहाँ रहेंगे आदमी 6 महीने तक, और कमाई भी नहीं कर सकता 6 महीने, तो किराया कहाँ से देंगे? तो वहाँ घर बुनियादी ज़रूरत हो जाती है, खुद का ले ले तो ही फ़ायदा, नहीं तो डूब जाता आदमी। 6 महीने में इनकम करना है, 6 महीने से अंदर रहते रखने में जलाओ फलाक हो रहा है, ऐसे कई इलाके हैं, लेकिन 6 महीने की इनकम भी बहुत हाई होती है उन लोगों, तो वहाँ ज़रूरत घर भी बन सकता है। कुछ इलाकों के अंदर गाड़ी के बहुत तस्वुर नहीं, यहाँ से वहाँ खाली जाना है, छोटा चीज़ लाना तो 15 किलोमीटर का सफ़र है। आप देखें गल्फ़ कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ऐसा स्कूल छोड़ने जा रहे 15 किलोमीटर की ड्राइव ऐसी, बस वापस आ रहे 30 किलोमीटर की ड्राइव ऐसी, फला जा रहा 60 किलोमीटर, तो यूँ जा ऐसे हालत। तो बगैर गाड़ी कैसे आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। मैं एक बार एक इमरजेंसी थी, तो मैं बर्मिंघम से लंदन में एक सफ़र करके जाना इमरजेंसी थी, तो मैंने कार छोड़कर मैंने कहा मैं ट्रेन से चला जाता हूँ, अब वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ चला गया टिकट काउंटर में जाके, जब मैंने टिकट लिया तो मेरे तोते उड़ गए, बोलते ना ऐसा एकदम तारे नज़र आने लगे, 85 पाउंड्स
8,500 में दिल्ली चल जाता हूँ फ्लाइट से, 8,500 में औरंगाबाद से, और कुछ 100 कुछ किलोमीटर का कम्यूट है वो, इतना कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है वहाँ। आप कार नहीं रहेंगी तो आपको क्या लगता है बर्मिंगम से लंदन जाए 175 किलोमीटर है शायद, तो आपकी तो कमर टूट जाएंगी, 16,000 लगेंगे आपको सिर्फ जाके वापस आने वहाँ से, कितना मुश्किल है ना। तो आपकी गाड़ी रही तो क्या है, पेट्रोल कॉस्ट है, गाड़ियाँ सस्ती मिलती है, लोग मालदार होते तो पुरानी गाड़ियों को निकालते रहते, तो यहाँ गाड़ी भी ज़रूरत हो सकती है, घर भी ज़रूरत हो सकता है, खाना पीना भी किसी के लिए सिर्फ ज़रूरत हो सकता है घर वगैरह छोड़ के। हमारे मुल्क के अंदर मैं कहूँगा खाना पीना किसी को अगर इज्जत के साथ मिल जाए ना, ये बुनियादी ज़रूरत है। और एक अच्छी तालीम, हमारे पास अक्सर लोग किराए के घरों में ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, नस्लें गुजार देते हैं, तो यहाँ घर ज़रूरत नहीं होती है हमारे अलावा, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरत नहीं होती है, जिस मुल्क में अभी भी इतने अच्छे हालात हैं कि आप 1-2 किलोमीटर में अपने बिजनेस तक पहुँच जाते हैं पैदल चल के, साइकिल भी काफ़ी है। मैं आपको बोलता हूँ, हम जिस इलाके में रहते हैं ना, मुस्लिम जो इलाका है कि 5 किलोमीटर का बेल्ट है, यहाँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पर हर चीज़ है आपको। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से तो ऐसा है 100 किलोमीटर पर तरकारी, 100 मीटर पर तरकारी, 50 मीटर पर मीट शॉप, 25 मीटर पर किराने की दुकान, और 10-10 मीटर तो बहुत हो गया, 3-3, 4-4 मीटर पे एक एक छोटी दुकान, बच्चों को कुछ लेना करना है द्वार, ऐसा 10 फीट गए तो एक किराने की दुकान, फिर 10 फीट गए तो एक किराने की दुकान, फिर 10 फीट पे एक बड़ी किराने की दुकान, फिर 10 फीट पे एक छोटी किराने की दुकान। क्या कम्यूट है मेरा, देख कितना चल रहा है मुझे, अगर मुझे कोई एक चीज़ खरीदना है ना तो ऐसा 300 मीटर का राउंड मार लिए सब हो जाता है। मस्जिद तो ऐसे 50-50 मीटर इधर 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 इधर, हमारे अतरा में 11 मस्जिद है, ऐसा एक गली निकलो दूसरी निकलो, इधर से निकलो तो एक मस्जिद, उधर से आप देख रहे हैं, यहाँ आपको गाड़ी भी ज़रूरत नहीं होती कभी कभार, एक साइकिल इज़ मोर देन इनफ, बुनियादी ज़रूरत है मैं कह रहा हूँ। अब मैं अगर ये सोच लूँ कि यार यहाँ से वहाँ जाने को मेरे को 350 cc से कम की गाड़ी नहीं चलती, फिर तो क्या मुँह में पान लगता, उस जेब में हैंडसेट लगता, और पेट्रोल भरा हुआ रहने लगता, सुबह उठ के कपड़ा साफ कपड़ा मार के मेरी गाड़ी को चमकाने वाला लगता, तो फिर तो कोई लिमिटलेस ये है। तो ज़मीन ज़माना हालात के ऊपर चीज़ें की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है, वो लोकल उलमा आप बात कीजिए, वो आपको बताएंगे। उन चीज़ों का अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप ज़कात आपके भाई को दे सकते हैं, बस एक कंडीशन होगी ज़कात देने से पहले, वो ज़कात लेने का मुस्ताहिक हो, वो हो गया, और जो मेन कंडीशन है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से आप और वो ना हो, क्योंकि अगर आप नबी के ख़ानदान से तो ज़कात और सदक़ात आप नहीं लेंगे, सिर्फ अतियात और तोहफ़े आपके लिए जायज़ होंगे, लिहाजा उस शक्ल में ज़कात आप ले नहीं सकते, हालांकि आप ज़कात के मुस्ताहिक होंगे, लेकिन आप डिमांड करें कि मुझे तोहफ़े वगैरह दिए जाए, चूँकि मैं वो नहीं ले सकता हूँ, तो बहरहाल इतनी कंडीशन है, इसके अलावा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।